The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In आज की वीडियो में हम एक important notification discuss कर रहे हैं जो कि related है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, जिसे हम BU भी कहते हैं. BU stands for बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी. ओके, सो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में PhD पाठ्यक्रम प्रवेश सूचना है, मतलब PhD एंट्रेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी. इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी जो एप्लीकेशंस है वो 26/9/2022 से इन्वाइट किए गए हैं एंड आपके पास लास्ट डेट है 30th October 2022. ये ईयर 2022 एंड 23 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर है अलॉन्ग विद JRF या फिर CSIR नेट का एग्ज़ाम क्लियर है अलॉन्ग विद JRF या फिर आपने सेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो आपको इनकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए. एंड वो सारे बच्चे जिनका नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है उनको यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा. तो हम डिटेल से एडमिशन प्रोसीजर देख लेते हैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. गाइडलाइंस फॉर PhD प्रोग्राम 2022, तो वही जनरल गाइडलाइंस रहती हैं PhD प्रोग्राम. अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आई एम अज्यूमिंग आपको ऑलरेडी PhD की थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर सुपरफिशियल नॉलेज आपने ऑलरेडी कलेक्ट करी हुई है. सो आप PhD डिफरेंट डिसिप्लिन में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं. उसमें एक डिसिप्लिन फॉरेंसिक साइंस भी है, तो फॉरेंसिक साइंस के बच्चे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से PhD भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है कि आपको PhD में एडमिशन लेने से पहले मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए. तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन भी, एंड दैट टू विथ मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स. अगर आपका टोटल 55% के बिलो है तो आप PhD की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं करते हैं. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव एडमिशन प्रोसेस. सो एडमिशन प्रोसेस आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी. एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करेंगे, मेरिट में आपका नाम आएगा, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल या फिर प्रेजेंटेशन देना होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा. ठीक है, सो ये जो एग्जेम्पशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेट क्लियर किए हुए कैंडिडेट्स के लिए है, CSIR नेट या UGC नेट या फिर सेट का एग्जाम. तो आपको CET दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा. बट अगर आप रेगुलर टीचर है यूनिवर्सिटी के या फिर SFS टीचिंग में आप इन्वॉल्व हैं यूनिवर्सिटी के, अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी, इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो भी आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है. इसके साथ ही साथ अगर आपने UGC नेट, CSIR नेट, SLET, GATE, टीचर फेलोशिप होल्डर अगर आप हैं, ICAR नेट अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो आपको एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा जो बच गए वो स्टूडेंट्स आपको देने पड़े इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी एंड उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा. आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डील करने होंगे एंड 100 MCQs आपके पास आएंगे और वो 100 MCQs 2 मार्क्स कैरी करेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम क्लियर करना होगा. यूजुअली आपने जब एग्ज़ाम क्लियर कर ली तो आपका इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा एंड उस वाइवा इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको जज किया जाएगा. एंड 30 मार्क्स के बेसिस पे आपको मार्किंग करी जाएगी. एग्ज़ाम में आपका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल करंट इश्यूज आएंगे, बेसिक एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगी एंड बेसिक साइंस आएगी. अगर आपका डोमेन फॉरेंसिक साइंस है तो फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, रिसर्च टीचिंग रीजनिंग के अलावा फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन आएंगे अलॉन्ग विथ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एक्सेट्रा. अगर आप अदर साइंसेज से एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको डिफरेंट साइंसेज आपके डोमेन से एंट्रेंस एग्जाम में आपको आपके डोमेन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलॉन्ग विद टीचिंग, रिसर्च एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एक्सेट्रा. तो यही आपका सिलेबस होने वाला है. इस
इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रीफ में एक सिलेबस देखने को मिल रहा है फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए, ये सारे फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए ये सारे के सारे सिलेबस हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए लॉ पढ़ना होगा, वही मैंने बोला आपका जो डोमेन है उसी डोमेन से ही क्वेश्चंस आएंगे। सो लॉ के बच्चे को लॉ के क्वेश्चन हैंडल करने हैं, साइंस के बच्चे को साइंस के क्वेश्चन हैंडल करने हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे को एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैंडल करने हैं अलॉन्ग विथ रीजनिंग क्वेश्चन। अब ये जो इट विल बी हैविंग ऑफ टू पेपर जैसे कि नेट के एग्जाम में होता है, ठीक है। तो आपको दो पेपर देने होंगे, ये दोनों पेपर ही 100 क्वेश्चंस कंसिस्ट करेंगे एंड 2 मार्क होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिए तो 1/2 मार्क कट कर लिए जाएंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द एंट्रेंस विल बी 50% इन टोटल एग्रीगेट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर। सो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ही मिला के आपको 50% लाना पड़ेगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है फॉर स्पेशल कैंडिडेट्स। फॉर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल है अबाउट द फी, तो जब आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपीज़ होगी फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स एंड 1,000 रुपीज़ फीस होगी फॉर अदर कैंडिडेट्स SC एंड ST कैंडिडेट्स। इसके अलावा अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपका फ्रेमवर्क कैसे होने वाला है, फीस फ्रेमवर्क कैसे होने वाला है, तो हर एक स्टूडेंट को 25,000 रुपीज़ पे करने होंगे एज अ फी फॉर ईच सेमेस्टर। सो टोटल हम ये कंसीडर करते हैं कि 3 साल की PhD होती है, तो 3 साल में यू हैव टू गिव 6 × 25, ठीक है। सो 6 × 25 आप कर लेना तो आपको टोटल फीस पता चल जाएगी। हर एक सेमेस्टर में आपको 25,000 रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी। हियर वी हैव सब्जेक्ट लिस्ट, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के अंदर पे आते हैं। देन वी हैव आर्ट्स, तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, बहुत ब्लरी हो गई है ये PDF, बट स्टिल आपको समझ में आ जाएगा। देन वी हैव कॉमर्स, कॉमर्स में PhD कर सकते हैं। देन वी हैव साइंस, साइंस में बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद फिर एजुकेशन है। सो बायोकेमिस्ट्री, ये सारे के सारे साइंस के डोमेन है, आप इसमें PhD कर सकते हैं एंड देन आप एजुकेशन में भी PhD कर सकते हैं। ओके, आप एजुकेशन में भी PhD कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें आप PhD कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स दी हुई हैं कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम नेगलिजिबल होगा। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। कोई भी डिस्प्यूट अगर हुआ तो वो एज सच एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने नेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, नेट सेट गेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आपको उसकी एक कॉपी उनको सेंड करनी पड़ेगी एज अ प्रूफ दैट यू हैव क्लियर्ड दीज एग्जामिनेशन। सो दिस इज अबाउट इट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड